हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो जॉब्स के रिलेटेड एक जो नोटिफिकेशन आया उसके बारे में डिस्कस करूंगा। मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको, जम्मू एंड कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से जो पोस्ट आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जहाँ भी आप फ्रेंड्स देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर जो है 1/2/2021 है और डेटेड है 8/3/2021। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टीज़ की गई हैं, एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पोस्ट इन द J&K लीगल सर्विस अथॉरिटी फॉर स्टेट कैडर एंड डिविजनल कैडर की पोस्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो ये बहुत ही बिग अपडेट जो निकल के सामने आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ पे जो डेट है, ये फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे 9th मार्च से, मतलब कल से ये फॉर्म लगना शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट इसकी रहेगी 23rd ऑफ मार्च को इसकी लास्ट डेट रहेगी। और जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 59 पोस्ट हैं। बहुत ही बड़ी अपडेट जो है निकल के सामने आ रही है। बहुत सारे लोग जो हैं जॉब्स के लिए वेट कर रहे थे, तो इसमें एक और अपॉर्चुनिटी मिली है आपको जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से, जहाँ पे 59 पोस्ट आई हैं। और इसकी 59 पोस्ट में कौन कौन सी पोस्ट हैं ये मैं आपको सारा डिटेल में बताऊँगा। जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूँ आगे, अगर हम बात करें जहाँ पर इसका क्राइटेरिया की बात करें, तो जहाँ भी आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ वेरियस पोस्ट शोन अगेंस्ट आइटम नंबर मेंशन इन द एनेक्सर ए टू दिस नोटिफिकेशन और डोमिसाइल्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर इन टर्म्स ऑफ SO 166 डेटेड 18/5/2020 इशूड बाई गैट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर दोज हु आर रेजिडेंट, जो जितने भी रेजिडेंट हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस दैन 15 ईयर्स बिफोर द डेट ऑफ अप्लाइंग यू आर एक्चुअली रिजाइडिंग द एरिया आर हैविंग एज ऑफ 1/1/2021, आपकी एज जो है 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप ओपन मेरिट में बिलोंग करते हैं, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST RP ALC या OSC में बिलोंग करते हैं, तो आपकी एज 43 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 42 ईयर एज है आपकी फिजिकल चैलेंज्ड कैंडिडेट के लिए और 48 ईयर जो है एक्स सर्विस मैन के लिए है, और 40 ईयर जो कैंडिडेट है इन केस ऑफ कैंडिडेट इन गवर्नमेंट सर्विसेज और कंट्रेक्चुअल इंप्लाइज उसकी एज जो है 40 ईयर है। उसके साथ मैं आपको और बता दूँ फ्रेंड्स, जहाँ भी आप देख सकते हो, जहाँ पे जो है फ़ी के बारे में बता दूँ आपको कितनी फ़ी रहेगी। इन द पोजीशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एकेडमिक प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर द फुलफिल आर द एलिजिबिलिटी कंडीशन वेयर एवर रिक्वायर्ड आर शोन अगेंस्ट द पोस्ट आइटम इन एक्सर ए बाय आर बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑल एप्लीकेशन फॉर्म 23rd मार्च 2021। जहाँ पर जो फ़ी रहेगी वो रहेगी 500 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, और एप्लीकेशन जो होगी अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फी इन द शेप ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, इन फेवर ऑफ मेंबर सेक्रेटरी के नाम का आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बनाने पड़ेगा। लीगल सर्विस अथॉरिटी शैल बी सबमिटेड इन द ऑफिस J&K जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। उसके बाद मैं आपको जो लास्ट में चीज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊँगा। जहाँ पर आप देख सकते हो जो ब्रेकअप वाइज पोस्ट की गई है उसके बारे में बताऊँगा आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पोस्ट का नाम है, लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है, और लीगल असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसकी अगर आप पे स्केल देखो 35,900 से लेके 1,13,500, और नंबर ऑफ जो यहाँ पे वैकेंसी जो 5 है, और ब्रेकअप जहाँ पे देख सकते हो आप ओपन मेरिट की 3 है, SC और RBA की एक ही पोस्ट है, और जहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन जो है वो है प्रोफेशनल बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। सेकेंड नंबर पर हम बात करेंगे, हम बात जूनियर लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है, जहाँ पे नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं 5 हैं, और इसमें मैं बता दूं ओपन मेरिट की 3 है, SC और RBA की 1 है, और जहाँ भी प्रोफेशनल बैचलर्स डिग्री चाहिए लॉ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। थर्ड नंबर पे हम बात करूँगा स्टेनो टाइपिस्ट की पोस्ट है, लेवल 5 रहेगा, इसमें 20 पोस्ट हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ जो पोस्ट आप देख सकते हो 9 पोस्ट ओपन मेरिट के लिए, RBA के लिए 2 है, SC और ST के लिए 2-2 हैं, और EWS के लिए भी 2 हैं, और LAC PSP और सोशल कास्ट के लिए एक एक पोस्ट है। उसके साथ मैं आपको बता दूं जहाँ पे जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी रहेगी वो रहेगी ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड, पोजेसिंग अ मिनिमम 60 and 35 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड टाइप टेस्ट, उसके बाद 6 मंथ का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं जूनियर असिस्टेंट के लिए, जहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए मैं बता दूं आपको, जहाँ पे 19 पोस्ट हैं, 8 जो ओपन मेरिट की हैं, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपकी स्पीड जो होनी चाहिए 35 वर्ड्स से आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 35 वर्ड भी होती है तब भी आप एलिजिबल हो, आप वहाँ पर एग्ज़ाम में बैठ कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो।
उसके बाद हम बात करेंगे ड्राइवर की पोस्ट की, बात करेंगे जहाँ पे एक ही पोस्ट है ओपन मेरिट की, और जहाँ पे जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है मैट्रिकुलेशन चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, और इसके पास जो लाइसेंस चाहिए हैवी लाइसेंस होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डरली लेवल की पोस्ट है, यहाँ पर 9 है और 5 ओपन मेरिट की हैं, और मैट्रिकुलेशन जो चाहिए इसमें रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जहाँ पर आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होगा, जहाँ पे जैसे आप फॉर्म वगैरह फिल करोगे तो इस तरीके का कोई फॉर्मेट होगा। आप जहाँ पे देख सकते हो एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो निकल के सामने आ रही है, 59 पोस्ट हैं, और जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, 23 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी, इससे पहले आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है JKS जम्मू एंड कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से, तो जहाँ पे आप अपना फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो। ये थी एक इंपॉर्टेंट अपडेट, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।